आओ एक ऐसी जगह को देखने चलें, जहां ना टिकट की जरूरत है ना पासपोर्ट और वीजे की। ये दुनिया के दुख तकलीफ और गम से निजात की जगह है। ये खुशबुओं, बागात, तरोताजा हवाओं और हयात जाविदा का दरवाजा है। ये उम्मीदों की मंजिल, नेकूकारों का बाग और मुजाहिद की आरामगाह है। ये कब्र है, जी हाँ, ये जन्नत की खुशबुओं की खिड़की है। ये हद नगाह वसी है, न कोई खौफ, न कोई तारीकी, न तन्हाई। ये अल्लाह के फरमा बरदार की कब्र है, लेकिन यही कब्र तारीकी और तन्हाई का मकान भी है। जिस्मों के घुलने और कफन को बोसीदा करने की जगह है। ये अल्लाह से गाफिल और नाफरमान के लिए डरावा है। ये सख्त दिल को नरम करने और अंजाम याद करने की जगह है। देख इस कब्र को और इबरत पकड़, कहाँ हैं वो जिन्हें अपनी जाह सल्तनत और दौलत पर बड़ा गरूर था, वो जो नाज़ो नाम, ऐश व इशरत और नरम ख्वाब गाहों के आदि थे, वो जो बड़ा जोरे कलाम और सुरीली आवाज रखते थे। कहाँ हैं फिरौन व नमरूद व कारून व हामान, कहाँ हैं वो जालिम व जाबिर जिनका बड़ा दबदबा था, कहाँ हैं वो ब्यूटी क्वींस जिन्हें अपने जिस्म और हुस्न पर बड़ा नाज था, कहाँ हैं वो कड़ियल जवान जिन्हें अपनी जवानी पर बड़ा एतबार था। बस यहाँ ना कोई दरबान है ना पासबान, कोई फौज है ना कोई लश्कर, बस तू है और मेरी तारीकी और खामोशी। ऐ गाफिल इंसानों, ये कब्र माल व दौलत, शोहरत व इज्जत और दुनिया की हर चीज से जुदाई का मुकाम है। ये हसरत व गम का घर है, ये जहरीले कीड़ों और बदबुओं का मस्किन है। ये कब्र पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं हौलनाक हूं। बस ए इंसान, बता तूने मेरे लिए क्या सामान किया है, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा। कहां गई तेरी वो औलाद जो मोहब्बत का बड़ा दम भरा करती थी, कहां गई वो बरादरी और सरदारी जिस पर तुझे बड़ा भरोसा था, कहां गए वो तेरे वसी महल व बागात। बस आज तू है और तेरी ये तंग व तारीख कब्र। लेकिन अगर तू अल्लाह का मुती था तो मैं रहमत हूं, गमों, दुखों और तकलीफों से निजात हूं, और तू मेरा मेहमान है। अगर तू नमाज कायम करता था और ज़कात देता था, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करने वाला था, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला था, उसके दीन के गलबे के लिए कोशिशें करने वाला था, तो तुझे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं रहमान की रहमत हूँ, क्योंकि मैं रहमान की रहमत हूँ।